मुझे नहीं पता कितना मतलब तुम खो सकते हो कि सीरीज देखते हुए। अभी रात का 1 बज रखा है और मैंने अभी सूप बनाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। 7th एपिसोड पे पहुंचा हूँ मैं तीसरे से, क्योंकि मैं बीच में कुछ और चीज़ें करने लग गया था, काम वगैरह। सही चल रहा है भाई, अभी तक सोने का बिल्कुल मन नहीं है। कल संडे है, आराम से पूरी रात सीरीज़ देखूँगा, मूवीज़ देखूँगा और कल आराम से लेट उठूँगा। और नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, मेरे को फ्राइड मना है और चावल मना है, तो सुबह भटूरे होंगे। भटूरे फ्राइड होते हैं तो फ्राइड में खा नहीं सकता, तो एग्स रखे हुए हैं, एग बॉईल करूँगा सुबह। तुम लोगों के लिए भाई वीडियो एडिट हो रही थी, और वीडियो एडिट करते करते मेरे को बहुत सही ठीक ठाक भूख लग चुकी है। रात के 2 बज रखे हैं और 1:30, तो खाने में ओह याद है लास्ट व्लॉग में वो लेके आया था कप नूडल, कप नूडल्स बनाते हैं रात को 1:30 बजे। कप नूडल ट्राई करता हूँ आज, बट सूप बनाया था कैटल में तो पहले कैटल धो के आनी पड़ेगी। ये रे कप नूडल्स। मतलब मैं इतना अनाड़ी हूँ ना इस काम में, मेरे को मैंने आज से पहले कप नूडल खुद बनाए नहीं है कभी। मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसा होगा, मतलब कैसे बनेगा, कैसे बनेंगे। ये चीज़ है, मुझे लगा था इसके अंदर कोई पैकेट पुकेट खोलना होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरी जो लाइन दिख रही है वहाँ तक पानी भरना गर्म, और बस इसको फिर 4 मिनट के लिए रखना बंद करके। सबसे पहले तो कैटल धो के आनी पड़ेगी मुझे। हियर वी गो। वैसे तो यहाँ पे रात को 1:30 बजे तो आधा हॉस्टल जाग रहा होगा, मैं अकेला नहीं हूँ। बट बात यह है ना, भूख लगी है और इस टाइम पे ना नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं रहता हूँ यहाँ पे 7th फ्लोर पे। अब 7th फ्लोर से नीचे जाओगे और तुम्हें पता चलेगा कि रात को 12 बजे तो भाई सारी दुकानें बंद पड़ गई हैं, यहाँ पे खाने का तो मिलेगा नहीं। बेस्ट ऑप्शन है मैगी बना लो, अगर नॉर्मल मैगी के पैकेट में पर रखी हुए हैं, पर अगर मैं वो मैगी बनाऊँगा ना तो कैटल मेरे को फिर से धोनी पड़ेगी। गर्म पानी तो कर ही सकता हूँ, बट इस मैगी के कप नूडल में और कोई ऑप्शन भी आते हैं क्या, और कोई फ्लेवर्स वगैरह? अगर आते तो बताना, मैं ट्राई करना चाहूँगा। अच्छा, इसके अंदर वैसे चम्मच भी तो होना चाहिए ना, मेरा ये चम्मच होता ही नहीं है इसके साथ। गलत बात है यार, चम्मच तो दे दिया करो। जिस लाइन तक पानी भरने के लिए कहा था उस लाइन तक पानी भर दिया, अब इसको बस 4 मिनट रेस्ट दे रहे हैं ना। ऐसा जैसा रेसिपी में बोला था मैंने वैसा वैसा कर दिया। ओह तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो ये डिस्पोजेबल फॉक्स वगैरह होते हैं ना, तुम कहीं पे खाने जाओ या फिर कुछ ऑर्डर करो और तो साथ में है ना, संभाल के रख लिया करो, काम आएंगे। अभी इसी से खाया जाएगा ये। जब तक ये बन रहा है तो मैं बाहर के हाल दिखाता हूँ ज़रा। सब खाली बिल्कुल, और सारी की सारी दुकानें बंद, चाहे इस साइड की हो चाहे जाकिर की साइड की हो, सारी बंद होंगी इस टाइम पे। इस टाइम पे कुछ नहीं खुला होता ना। जब मैं पिछले साल यहाँ पे आया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हॉस्टल, तब यहाँ पे ना रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक भी दुकानें खुली होती थी। बट उसके बाद ना इन लोगों ने ना रूल चेंज कर दिए, उसके बाद फिर दुकानें 10 बजे बंद होना शुरू होगी और अभी 12 बजे तक बंद हो जाती हैं सारी। मतलब टाइम वैरी करता थोड़ा थोड़ा। भाई बालकनी का क्या बुरा हाल हो रखा है। अरे जिम इक्विपमेंट हमारी बालकनी में, साइड वाले कमरों का होगा। और ये तो जागे भी हुए हैं, पंखा वंखा लाइट लूट चल रही है। कितने किलो का है भाई ये? 5 किलो। जो मैं शेल्डन सीरीज देख रहा था उसके 14th एपिसोड पर पहुंच चुका हूँ, और भाई 4 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं।
अब मुझे देखना है बस मेरे कप नूडल का क्या हाल चाल। ओके रेसिपी के हिसाब से तो बन जाने चाहिए इतने ज़्यादा। सूपी वैसे मुझे पसंद नहीं है बट खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे। ओ इसमें सब्जियां भी हैं। टेस्ट बिल्कुल बुरा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पानी ज़्यादा डल गया और मसाला थोड़ा कम लग रहा है। बनी एकदम ठीक है, अकेले बंदे के लिए तो बहुत सही है ये चीज़। वैसे कमरे में अगर दो तीन जने खाने वाले हो ना तो कप नूडल के बजाय ना मैगी बना लेनी चाहिए। अभी ये खा के थोड़ा सा देखते देखते सीरीज सो जाता हूँ। कल कॉलेज है मेरा, देखते हैं कल क्या करता हूँ। एक छोटा सा अपडेट भाई, जैसे जैसे मैं सूप तक पहुँचा हूँ ना इसके अंदर, भाई इसका टेस्ट बहुत अच्छा है यार। मतलब सूप का तो जिसमें लास्ट में बचा है ना उसका टेस्ट तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। पानी अब थोड़ा बहुत सूख गया है तो टेस्ट अच्छा आ रहा है। ऐसे और ला के रखूँगा मैं, बट यार महंगा है थोड़ा, 50 का कप, बट मेहनत नहीं करनी तो अच्छा है।